हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में हम दोस्तों पहले कर चुके हैं। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे से पिछले एग्जामों में भी क्वेश्चन बने थे और नेक्स्ट एग्जाम में भी दोस्तों 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ इसे रट कर ज़रूर जाना। तो सेशन को शुरू करते हैं। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, इसे इशू या जारी कौन करता है? तो इसको इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा इशू किया जाता है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23, द टोटल अवेलेबल पावर कैपेसिटी इन स्टेट कितनी है? तो 13,522.85 मेगावाट है, जो 2021-22 में थी 12,101.52 मेगावाट। और टोटल पावर कैपेसिटी में से हरियाणा स्टेट 2582.40 मेगावाट अपने स्टेशन से प्राप्त करता है, जबकि 846.14 मेगावाट संयुक्त या जॉइंटली ओइंड प्रोजेक्ट से, जबकि अन्य पावर रेस्ट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट इनकी अन्य प्रयोजनों से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा तो कितने हैं? 75,79,595, और इनमें से दोस्तों डोमेस्टिक कंज्यूमर कितने हैं? तो घरेलू उपभोक्ता है 59,57,505, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन हरियाणा 2021-22 कितनी थी? तो 2,167 यूनिट थी, जबकि अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन हरियाणा कितनी है? 409,947.21 लाख यूनिट है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 22 दिसंबर 2022, द नंबर ऑफ 24×7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विलेजेज, यानी कि दिसंबर 2022 तक हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे विद्युत उपलब्ध रहती है? तो 5,694 गांव में। अब दोस्तों, एग्रीकल्चर के बारे में इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है उसके बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द ग्रोस साउन एरिया इन द स्टेट कितना है? तो 66.20 लाख हेक्टेयर हरियाणा में सकल बोया गया क्षेत्रफल है, जबकि अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 हरियाणा स्टेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021-22 कितनी थी? तो 172.26 लाख टन थी। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द स्टेट, यानी कि हरियाणा में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? तो 104.47 लाख टन। और प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का उत्पादन कितना है? 55.14 लाख टन। प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने का, 88.23 लाख टन। प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, इनकी तिलहन का उत्पादन कितना हुआ है? तो 17.20 लाख टन। कॉटन, कपास का प्रोडक्शन 13.26 लाख बेल्स, दोस्तों कपास का या कॉटन का उत्पादन गांठों में गिना जाता है, तो गांठों को बेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, इनकी मसालों का उत्पादन हुआ है 0.73 लाख मीट्रिक टन। फूलों का उत्पादन हुआ, फ्लावर का, 0.17 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ मशरूम, तो 10,745 मीट्रिक टन, जबकि मछली, इनकी फिश प्रोडक्शन कितना है? 2,09,033.32 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है,
अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द लार्जेस्ट कनाल सिस्टम ऑफ स्टेट, तो हरियाणा में सबसे बड़ा नहरी तंत्र कौन सा है, तो बाखरा कनाल सिस्टम है, जिसमें 521 चैनल्स या फिर नहरें या कनाल है, जबकि इसकी लंबाई है 5,867 किलोमीटर से। और बात करें यमुना सिस्टम की, तो इसमें 472 कनाल है जिसकी लेंथ है 4,311 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द टोटल एनुअल मिल्क प्रोडक्शन इन स्टेट कितना हुआ था, तो 112.84 लाख टन, जो देश का 5.37% है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पर पर्सन पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी इन स्टेट तो कितनी है, तो 1,063 ग्राम है। और हरियाणा राष्ट्रीय स्तर की नेशनल एवरेज में 427 ग्राम के साथ देश में तीसरे स्थान पर है मिल्क उत्पादन में। और हरियाणा में हरियाणा हैज 2.10% ऑफ द कंट्री लाइव स्टॉक पॉपुलेशन विच इज अबाउट 71.26 लाख लाइव स्टॉक, इनके हरियाणा में लगभग देश के पशुधन का 2.10% है, जो लगभग 71.26 लाख पशुधन हरियाणा में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट कितने हैं, तो 14,424 है, जबकि नंबर ऑफ स्टेट आईटीआई कितनी है, तो हरियाणा में दोस्तों सरकारी आईटीआई कितनी है, तो 172 है, प्राइवेट आईटीआई कितनी है, 225 है, और को एजुकेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं, 149 है, स्टेट ओमैन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं, तो 36 है, यानी कि टोटल आईटीआई कितनी होगी हरियाणा में, 192 प्लस में 225 417 हो गई है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द नंबर ऑफ अटल सेवा केंद्र इन द स्टेट तो कितने हैं, 22,500 है, जिनमें से 15,639 इन रूरल एरिया जबकि 6,861 इन अर्बन एरिया में है। और दोस्तों इंग्लिश में शायद बोलने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ आप एडजस्टमेंट कर लेना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 सब डिविजनल हॉस्पिटल कितने हैं, तो 22 हैं, जबकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, 120, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 406 है, और कहीं कहीं पर दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा 537 दिया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है, जबकि सब हेल्थ सेंटर कितने हैं, तो 2,726 है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इन द स्टेट कितना है, तो 19 है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 28, जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कितना है, 110, और मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर तो 33 है, आपको सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट तो 13 है, इनकी 13 है, और इन 13 में से 7 तो गवर्नमेंट है जबकि 6 या 6 प्राइवेट हैं, और डेंटल कॉलेज हरियाणा में 11 है जिनमें से 1 गवर्नमेंट और 10 प्राइवेट है। और बात करें नर्सिंग कॉलेज की, ये 44 है जिनमें से 3 गवर्नमेंट और 41 प्राइवेट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन द स्टेट हरियाणा, तो हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, तो 11 या 11 है, जबकि म्युनिसिपल काउंसिल कितनी है, तो नगर परिषद दोस्तों 23 इनकी 23 है, और म्युनिसिपलिटी कितनी है, 56 है, इनके 56 है।
और मंडल है दोस्तों 6, सब डिवीज़न है 74, तहसील है दोस्तों 95, और सब तहसील कितनी है तो 49 है। वॉल्यूम यानी कि खंड कितने हैं 143, टाउन या कस्बे कितने हैं 154। और कई बच्चे कहेंगे कि सब डिवीज़न 82 हो गए हैं, लेकिन दोस्तों हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में 74 दिए गए हैं। मैं इस सर्वे के बारे में बता रहा हूँ, वैसे इसका आंकड़ा भी सरकार के द्वारा कोई जारी नहीं किया गया, आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द नंबर ऑफ बेनिफिशियर ऑफ ओल्ड एज पेंशन इन द स्टेट, इनकी हरियाणा में वृद्धा पेंशन का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या है दोस्तों 17,65,554। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेस इन हरियाणा तो 43 यानी कि 43 है, आपको 42 भी याद रखना, ये भी मिल सकता है कहीं कहीं पर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन हरियाणा तो इनकी संख्या है 2,697। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट या रोड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं, और दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 नंबर वन पर है नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे में जिनमें से स्टेट PWD 330 किलोमीटर है, जबकि NHAI 2,886 किलोमीटर है, और टोटल मिला दिया जाए दोनों को तो हरियाणा में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई हो जाएगी 3,216 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और स्टेट हाईवे कितने हैं तो 1,676 है यानी कि 1,676 किलोमीटर है। मेन डिस्ट्रिक्ट रोड कितने हैं तो 1,375 किलोमीटर है। ओदर डिस्ट्रिक्ट रोड कितने हैं तो 24,996 किलोमीटर है। अगर दोस्तों इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो स्टेट हाईवे कितने हरियाणा में तो 28,047 किलोमीटर लंबे हरियाणा में स्टेट हाईवे है, ये भी आपको नोट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द टोटल लेंथ ऑफ रोड इन द स्टेट, हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 28,047 तो स्टेट हाईवे प्लस में 3,216 नेशनल हाईवे, तो कुल यानी कि टोटल लंबाई हो गई रोड की 31,263 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रट लेना है। अब दोस्तों रोड से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एज वेल एज हरियाणा स्टैटिस्टिकल्स समरी 2021-22 हैज बीन रिलीज्ड इन फरवरी 2023, यानी कि हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की तरह ही हरियाणा सांख्यिकीय सारांश 2021-22 जारी किया गया है फरवरी 2023 में इसी सर्वेक्षण के साथ। और दोस्तों इसमें हरियाणा रोडों के बारे में क्या कहा गया है वह भी आपको नोट कर लेना है। अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टैटिस्टिकल्स समरी 2021-22 द लेंथ ऑफ द रोड इन द स्टेट, तो इसमें बताया गया कि द टोटल लेंथ ऑफ रोड इन हरियाणा 30,810 किलोमीटर है, जबकि हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे में यह लंबाई थी 31,263 किलोमीटर है। और इसमें लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितने हैं तो 3,014 किलोमीटर है, जबकि इसमें लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन हरियाणा की लंबाई कितनी है तो 27,796 किलोमीटर है। आपको दोनों को रट लेना दोस्तों, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ मेटल्ड रोड इन हरियाणा, इनकी हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो नंबर वन पर है इसार, जहाँ पर 2,605 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। दूसरे स्थान पर है सिरसा, जहाँ पर 2,364 किलोमीटर पक्की सड़कों की लंबाई है।
और द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ मेटल्ड रोड इन हरियाणा, इनकी पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो नंबर 1 पर है फरीदाबाद 428 किलोमीटर, जबकि नंबर 2 पर पंचकूला 647 किलोमीटर। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन हरियाणा, तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई किस ज़िले में है? तो नंबर 1 पर हिसार 243 किलोमीटर, नंबर 2 पर भिवानी 231 किलोमीटर। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन हरियाणा, तो सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई किस ज़िले में है? फतेहाबाद में 37 किलोमीटर, नंबर 2 पर है फरीदाबाद 38 किलोमीटर। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन हरियाणा, तो राजकीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? नंबर 1 पर है हिसार 2362 किलोमीटर, नंबर 2 पर है सिरसा 2262 किलोमीटर। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन हरियाणा, तो सबसे कम राजकीय राजमार्ग की लंबाई किस ज़िले में है? तो नंबर 1 पर है फरीदाबाद 390, नंबर 2 पर है पंचकूला 574। एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ विलेज कनेक्टेड विद मेटल्ड रोड इन हरियाणा, तो हरियाणा के कितने गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है? तो 7021 गांव को दोस्तों पक्की सड़कों के साथ जोड़ दिया गया है। इनकी हम ऐसे मान सकते हैं कि हरियाणा में दोस्तों 7000+ गांव हो गए हैं। और दोस्तों आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक पर इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।